चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कैसे फ्रेम को फिटिंग करना है फ्रेम के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा एक सस्पेंशन फॉर्क है जिसका लेंथ नेक से लेके ऊपर तक 210 mm है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो फॉर्क फिटिंग है उसके साथ इतने सारे एक्सेसरीज आता है चूड़ी वगैरह मिला के। तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे देखिए नीचे वाला एक छोटा सा रिंग होता है, ठीक है, इसको पहले आपको फर्क के ऊपर ऐसे चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद देखिए आपको नीचे तक नहीं जा रहा है, तो इसको क्या करना है, आपको नीचे तक लेके जाना है। लेकिन कैसे लेके जाएंगे, तो इसके लिए प्रॉपर टूल वगैरह हमारे से पिटाई करेंगे तो वो सही से नहीं जाएगा। तो मैं एक सर्वेंसर जैसे एक स्टीम आता है, स्टीम का नेक आराम से इसके अंदर चला जाएगा। तो मैं पहले इस स्टीम को लूज़ कर लेता हूँ, इसके बाद इस स्टीम से मैं थोड़ा निकल कर मार के इसको अंदर तक लेके जाऊँ, ठीक है। और देखिए अब यहाँ तक चला गया, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, हम मार के देखिए एक स्टीम को चला के स्टीम को निकल कर मारिए, देखिए चला गया नीचे तक पूरा बिल्कुल में हमारा बैठ गया, देखिए ठीक है, ये पूरा हमारा बिल्कुल सही बैठ गया, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा वाला रिंग दिखाना। हेडसेट का अलाइनमेंट कुछ इस तरह का फ़ोटो में आप देख पा रहे हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, पहले आपको जो प्लास्टिक का एक कैप आता है जिससे डस्ट अंदर जाने से रुकता है, उसके बाद आप बॉल बेयरिंग चढ़ाइए। बेयरिंग का जो फेसिंग है ऊपर की तरफ रहेगा, जहाँ पे आके आपका हेड ट्यूब आके बैठेगा, देख सकते हैं आप इस तरह से। फिर ये बिठाने के बाद आप क्या करिएगा, वो फ्रेम के साथ फॉर्क को ऐसे अटैच करिए। अटैच करने आप अटैच और जो हेड ट्यूब के जो ऊपर और नीचे वाला जो ट्यूब है वो हम पहले ही लगा चुके हैं, ठीक है, वो आप लगा लीजिए। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला बेयरिंग है उसको जैसे कि नीचे वाला के टाइप पे हमने ऊपर की तरफ फेसिंग करके लगाए, और इस बार उल्टा हो जाएगा उसका फेसिंग, बेयरिंग का जो बॉल का जो फेसिंग है वो नीचे की तरफ रहेगा। उसके बाद और एक प्लास्टिक का आप देख सकते हैं, और एक प्लास्टिक का क्या पता है वो लगा लीजिए। उसके बाद एक डस्ट सील आता है वो अटैच करिए। उसके बाद आप देख सकते हैं जो डस्ट का सील है वो आराम से आप लगा लीजिए, जाकि ये लगाने से क्या होगा कि बेयरिंग के अंदर कोई भी डस्ट नहीं जाएगा, आप आराम से ये कर सकता है, ठीक है, आप कर सकते हैं। तो अब देख सकते हैं मेरे जो फॉर्क का जो लेंथ है नेक से लेके वो 210 mm है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हम स्पेसर का यूज़ करेंगे। जो स्पेसर 10 mm का हम लोग 3 स्पेसर डालेंगे, तो 4 डाल के हम देखें एक्स्ट्रा हो रहा है तो हम 3 डालेंगे। आप देख सकते हैं पूरा ऐसे फर्क फिटिंग होने के बाद इस तरह से कुछ दिखेगा। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसका जो स्टार नॉट है उसको फिटिंग करना है, वो भी बिल्कुल आसान है। उसके लिए कोई प्रॉपर टूल की ज़रूरत नहीं है, टूल्स होता तो अच्छे तरह से होता, फिर भी टूल नहीं होगा तो फिर भी आप आराम से कर सकते हैं कि इसको कैसे फिटिंग करना है, वो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं अभी चूड़ी बिठा लेता हूँ, जो स्पेसर है मैं 3 स्पेसर इसके अंदर डाल दिया। तब उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो स्टीम है, तो स्टीम मैं कुछ इस तरह से बिठाया, ठीक है। अभी हम लोग स्टार नट फिट करने जा रहे हैं। स्टार नट फिट करने से पहले आप स्टार नट का जो स्क्रू है वो थोड़ा पहले निकाल लीजिए, उसके साथ एक ऊपर वाला कैप आता है वो भी निकाल लीजिए। निकालने के बाद स्टार नट को, स्टार नट के अंदर जो थ्रेड है वो थ्रेड वाला वो फिर से आप चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद आप हैमर से धीरे धीरे मारते रहिए। अभी क्या होगा, ज़्यादा ज़ोर से मत मारिए, आप हो सकता है अलाइनमेंट कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आप उधर हैमर से धीरे धीरे मारते रहिए। और देखिए वो जो मतलब वेस्टर्न नट का दो पार्ट है, तो क्या होगा, दो पार्ट एक साथ नहीं जाएगा, मतलब एक जाएगा उसके बाद दूसरा जब जाएगा अपने आप अलाइनमेंट हो जाएगा। तो आपकी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले आप एक काम करिए, हमारे से धीरे धीरे उसको मारते रहिए। जब नीचे वाला हो सकता है थोड़ा टेढ़ा जाए, जब दूसरा आएगा, दूसरे की बारी आएगा, तब वो सीधा हो जाएगा अपने आप। और ये बिठाने के बाद आप थोड़ा इधर उधर से, मतलब जहाँ पे टेढ़ा है उल्टे साइड से मार के उसको सीधा करिए। सीधा करने के बाद आपको आराम से अंदर चला जाएगा। देख सकते हैं मैं पूरा इसको फिट कर लिया, अपने हिसाब से मैं फिट कर लिया, देख सकते हैं पूरा। अभी स्टैंड नट तो मेरा हो गया, अभी स्क्रू आप निकाल लीजिए। ठीक है, मैं उस स्पैनर से उसका जो अलाइनमेंट है, आप स्क्रू ड्राइवर से भी कर सकते हैं। अगर इधर उधर छोटा टेढ़ा है तो वो आप स्पेनर सर या तो स्क्रू ड्राइवर या तो कोई भी टूल्स जो अंदर तक चला जाए उससे आप, और आप मैं एक सजेस्ट करता हूँ, स्टर नट ज़्यादा अंदर मत घुसाइए, क्योंकि ज़्यादा कभी हो सकता है आप कभी स्टर नट के जंग लग जाए या तो कुछ हो जाए, तो अब उस टाइम में स्क्रू नहीं निकलेगा, तब उस टाइम आप जो फॉर्क है आप प्रॉप ऊपर से काट काट करके उसको लेंथ छोटा करके भी आप फॉर्क को दोबारा रीयूज कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ ऊपर से 15 से 20 mm तक अंदर डालिए, उसके अंदर मत डालिए, ताकि इसको दोबारा में खोलने में आसान हो, ना खुले तो आप आसानी से उसको काट के भी यूज़ कर सकते हैं। तब देखिए मैं उसको बिठा के पूरा टाइट कर रहा हूँ। टाइट होने के बाद आप उसको हैंडल के लिए आप फ्रेम के अलाइनमेंट सीधा कर लीजिए, 90 डिग्री कर लीजिए, ताकि आप हैंडल फिट करेंगे तो आसानी से इसके अंदर सीधा हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। आप देख सकते हैं मेरा पूरा फॉर्क फिट हो गया। आप इसको अब चलाने के लायक हो गया। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ओके, मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मैं पूरा इसको टाइट कर दिया, अभी मेरा पूरा फॉर्क आराम से फिट हो गया, कोई बात नहीं। मतलब मिनिमम टूल्स के लगा के आप इसको कैसे फिट करते हैं, मैं आसानी में आपको दिखाया। मेरे पास ज़्यादा कुछ टाइम, बस इसके लिए एक हैमर चाहिए और एलन की से मैं वो बोल्ट टाइट किया, देख सकते हैं आप। देखिए मैं थोड़ा एडजस्टमेंट भी कर रहा हूँ, ताकि मेरा हैंडल जब ज़्यादा टाइट ना हो जाए या तो ज़्यादा लूज ना हो जाए। ज़्यादा टाइट होगा तो भी दिक्कत है, ज़्यादा लूज होगा फिर भी दिक्कत है, इसीलिए आपके हिसाब से आप धीरे धीरे घुमाते रहिए, ताकि आपको आसानी हो। ठीक है।